बड़ी खबर आ रही है, वाराणसी में आज से महापौर सम्मेलन का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। 3 दिन के सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित भी करेंगे पीएम। सीएम योगी, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी मौजूद रहेंगे। इस सम्मेलन में शामिल रहेंगे करीब 100 मेयर। शहरी क्षेत्र में विकास कार्यों पर चर्चा होगी। मेयर सम्मेलन में बनारस मॉडल पर फोकस किया जा सकता है। या दिल्ली में भी रहता हूं तो प्रयास रहता है कि बनारस में हो रहे विकास कार्यों को गति देता रहो। अपनी काशी में जो काम चल रहे हैं उनको देखने के लिए निकल पड़ा था। देश के दूसरे शहरों में काशी मॉडल, देश के शहरों के मेयर लेंगे विकास मंत्र। चुनावी समर में बनारस मॉडल का बड़ा दाव। यूपी में योगी के विकास मॉडल का सबसे बड़ा दाव है बदला हुआ बनारस। 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद से काशी उत्सवों में डूबी है। काशी मॉडल चुनावी मुद्दा तो है ही, साथ ही तय समय सीमा में विकास के कमिटमेंट का शोकेस है, जिसे बीजेपी चमकाकर चुनावों से पहले जमीन पर उतार चुकी है। इसी काशी मॉडल को देखने समझने के लिए देश भर के अलग अलग राज्यों से आए मेयर अब काशी में जुट रहे हैं। बनारस में न्यू अर्बन इंडिया थीम अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन के जरिए काशी के इसी मॉडल को देश के दूसरे शहरों में भी उतारने की है। वन डिस्ट्रिक्ट वन सिटी वन ऑपरेटर एक योजना हमने शुरू की है सीवरेज और एसटीपी मेंटेनेंस के लिए। उसमें देश की बड़ी कंपनियों को जोड़ा है। वो योजना शुरू हुई है आगरा, लखनऊ, अयोध्या और गोरखपुर को मिला के एक क्लस्टर और 9 शहरों को मिला के गाजियाबाद एक क्लस्टर। अभी हमने 13 नगरों में इस योजना को शुरू किया है। और यूपी में बीजेपी के लिए काशी मॉडल सिर्फ यूपी चुनावों भर का मुद्दा नहीं है, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनावों में भी इस शोकेस का हिस्सा बड़ा और अहम है। वैसे देखे तो 2022 में योगी के पास गिनाने के लिए कई चमकीले पन्ने हैं। पहला, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण। दूसरा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और नई काशी। और तीसरा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की सौगात। लेकिन असल मुद्दा है काशी, क्योंकि काशी का इम्पैक्ट डबल है। 2022 और 2024 का रण बनारस के अभिमंत्रित विकास मॉडल को साधा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। यही वजह है कि काशी में देश के अलग अलग हिस्सों से मेयरों के सम्मेलन को खुद पीएम मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन से देश के 4800 स्थानीय निकाय के अध्यक्ष, पार्षद और अधिकारी जुड़ेंगे। 3 दिवसीय ये प्रदर्शनी 17, 18, 19 TFC में लगेगी और 17 तारीख को जो महापौर सम्मेलन में प्रतिभाग करने वाले महापौर गण हैं वो उसका अवलोकन करेंगे। 18, 19 को ये प्रदर्शनी सबके लिए खुली रहेगी, सब लोग जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। काशी मॉडल खासकर उन शहरों के लिए बेहतरीन मॉडल साबित हो सकता है जो प्राचीन शहर है। चुनावी समर में ये मॉडल सटीक है और बीजेपी के लिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की थीम पर कसा भी है। निरंतर काशी के किस घाट पे, किस गली में, किस सड़क पे क्या समस्या है, इसका अपडेट लेते रहना। इसकी वजह से हम सभी काशीवासी सदैव उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। पहले काशी से हम लोग रहते ज़रूर थे, लेकिन यहाँ की साफ़ सफाई, यहाँ की कंजेस्टेड सड़कें, अगर कभी घर से घूमने के लिए निकलना हो तो कोई ट्रैफिक का रूल नहीं था। कम से कम अब ट्रैफिक रूल पे पुलिस दिखाई देती है, अपना ही शहर सुंदर लगने लगा है। इसमें विकास धर्म की वो जुगलबंदी है जो मोदी योगी की राजनीति का वो सुर है जिससे सत्ता सिद्धि अब तक होती रही है। अगर कहें कि गुजरात के मॉडल के बाद काशी मॉडल चुनावी बिसात पर 2022 और 2024 का 2.0 दाव है तो ये कहना गलत नहीं होगा। टीम न्यूज़ नेशन।